भक्त अपने भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं और यहां पर रुद्र पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का आज आकर्षक श्रृंगार दर्शन भी होंगे, साथ ही आज पालकी यात्रा भी निकाली जानी है। तो न्यूज 18 के माध्यम से आप भी शिव शंभु के दिव्य दर्शन करिए और आज मंदिर में बड़ी संख्या में बम भोले की गूंज, जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और मुंगेली से संवाददाता प्रशांत शर्मा, श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रशांत आपके पास आते हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? सावन का चौथा सोमवार है और देखा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं सुबह से ही। जी निश्चित रूप से सावन का जो महीना है भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है और इस पावन महीने या सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और इस समय हम लोनी के शिव मंदिर में जहां देख सकते हैं कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और इस मूर्ति के बारे में बताया जाता है, इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि इस शिवलिंग का जो आकार है लगातार बढ़ते जा रहा है और लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सुबह से ही भक्तों का तांता जो है इस मंदिर में लगा हुआ है और श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही कांवरिये भी कांवरिया यात्रा निकालकर मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ जो मुंगेली के शिव मंदिर है, मथुरा का ऐतिहासिक मथुरा मंदिर है, वहाँ आज पूरे दिन विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कल प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन, शिव महापुराण की भी कथा संपन्न हुई है। तो लोरमी मुंगेली इलाके में भक्तों में, शिव भक्तों में काफी उत्साह और जो उनकी पूजा अर्चना है वो चरण पर है। कुछ श्रद्धालु भी हम पहुंचे हुए, उनसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या आस्था है और कितनी श्रद्धा भी लोगों की बनी। देखिए इस मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत स्वयंभू भोलिंग है और बहुत छोटे आकार में थे। आपने दिखाया होगा ये मंदिर तिल तिल करके धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम जब भी देखते थे बहुत छोटे आकार में था। आज आप पूरा ऐसे उसको आलिंगन करके देखिए कि शिव की प्रतिमा कितनी बड़ी हो गई है और इस शिव मंदिर में बहुतों की आस्था है। मेरे खुद कई मित्र हैं जो आज यहाँ पूजा करते हैं, सरकारी नौकरी में लगे हैं। मैं खुद रायती में इस मंदिर के आशीर्वाद पाकर सफल हुआ और महिलाएं अपने सुहागन का आशीर्वाद यहाँ से लेती हैं। मंदिर बहुत ही सिद्ध शिव मंदिर है, इतना पूजा करने आप लोग आते हैं कि सावन के महीने में। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की जो आस्था है इस शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था है और आज पूरे दिन यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इसके साथ जो कांवरिये हैं और जो बेलपान से और दूसरे जो मंदिर नदी है वहाँ से जल लेके आते हैं और कांवर यात्रा निकाल कर यहाँ जलाभिषेक भी करते हैं। बिल्कुल प्रशांत, और साथ ही रुक करेंगे श्रवण का। श्रवण, कैसी तस्वीरें हैं, कहां पर आप मौजूद हैं? महिलाओं में खासा उत्साह देखा जाता है क्योंकि हरियाली तीज की भी धूम देखी जा रही है, तो कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं मंदिर के आसपास? देखिए बिल्कुल सावन का चौथा सोमवार है और सोमवार में महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के यत्न करते हैं और मैं इस वक्त अंबिकापुर के बाक नदी किनारे प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूं और सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोग अपने अपने हिसाब से जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ श्रद्धालु भी हैं। सबसे पहले श्रद्धालु से ही बात करेंगे, चौथा सोमवार है, किस तरह का यहाँ मान्यता है इस मंदिर का? बहुत अच्छा मान्यता है यहाँ का, चौथा सोमवार है। किस तरह का यहाँ पे उपवास आप लोग रखते हैं, क्या रहता है यहाँ? जी यहाँ जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन पूरे दिन तक पूरा मतलब उपवास, दूसरे दिन उस मतलब व्रत तोड़ा जाता है। महिलाओं इसमें खासा उत्साहित रहती हैं, महिलाएं सही जानते हैं किस तरह के उपवास रहती हैं और इस सावन सोमवार का क्या महत्व रहता है? सावन सोमवार का बहुत महत्व है, उपवास रहते हैं महिला लोग ज्यादा से ज्यादा करके, उस दिन फल फूल ही खाते हैं बस। तो आप देख सकती हैं कि जो ये सावन सोमवार में जो महिलाएं हैं खासा वो ज़्यादा उत्साहित रहती हैं। और मैं इस बाक नदी के विषय में बता दूं कि ये बाक नदी और ये जो प्राचीन शिव मंदिर है उसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ से ही जो कांवरिया है वो जल उठाते हैं और जसपुर जिले के जो
मंदिर है वहां पर जाके जल अभिषेक करते हैं। तो आप सुबह से ही देख सकते हैं कि ये प्राचीन शिव मंदिर है, वहां में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और कुछ श्रद्धालु से भी हम और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बात नदी है वहां पर सुबह से ही आज जो है चौथे सोमवार के दिन जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार जो है भगवान शिव को यहाँ पर प्रसन्न कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, आप लोग आए हैं किस तरह का यहाँ पे मान्यता है, पूजा करने पहुंची हैं आप लोग नहीं, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये देखिए ये जल कावरिया है जो यहाँ जल उठा करके कैलाश गुफा के लिए रवाना होंगे, किस तरह की आस्था है यहाँ से, कब? हम लोग यहाँ से शिवपुर जाने के लिए जल उठाए हैं। कितने लोगों की संख्या में है और यहीं से ही जल क्यों उठाते हैं आप लोग? हम लोग यहीं से हमेशा उठाते हैं 2013 से। अच्छा। अभी आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? अभी तो 5 लोग हैं और लोग चले गए हैं कल है, 50-60 लोग। अच्छा। तो कितना उत्साह रहता है सावन के सोमवार? बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है कंवरिया लोगों का। भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करते हैं आप लोग, कितना देर पैदल चलेंगे? पैदल हम लोग ज्यादा नहीं चल पाते हैं अब, पर इन साल से पहले चलते थे, 2013 से लेकर चल रहे थे लगातार। तो देखिए यहाँ पे कांवरिया भी पहुंचे हुए हैं इस बाघ नदी से जो जल लेकर के, ये कांवरिया जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का जो है जल अभिषेक करेंगे। तो ये जो बाघ नदी है यहाँ से जल उठाते हैं और प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि यहाँ से जो कोई भी मनोकामना यहाँ मांगता है भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में, उसके मनोकामना भगवान अवश्य पूरा करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही प्रशांत एक बार फिर से आपके पास आते हैं, क्या वहां पर भी कांवड़िए पहुंचते हैं, और अगर हाँ तो ये भी बताइए, और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी करिए, खासतौर पर महिलाओं से बातचीत करिए, क्योंकि हरियाली तीज की भी धूम है, महिलाओं में खास उत्साह देखा जाता है सावन सोमवार को लेकर। ये निश्चित रूप से कांवरिए यहाँ पहुंचते हैं और बेलपान के पास जो एक नर्मदा कुंड है वहां से जल लेकर कांवरिए पहुंचते हैं और जो उत्साह है वो लगातार बढ़ते जा रहे, क्योंकि सावन में लगातार विभिन्न धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं, कुछ श्रद्धालु भी हैं, कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, किस तरह की कांवड़ यात्रा होती है और आज जो आयोजन होने वाले हैं पूरे आयोजन किस तरह? बिल्कुल, ऐसे कांवड़ यात्रा यहाँ से बिलपान से लेके आते हैं और कुछ श्रद्धालु अमरकंठक से भी यहाँ हरिद्वारा जी का जल लेके आते हैं, यहाँ के शंकर जी में शिव घाट में कांवड़ से जल लेके आते हैं, एक रैली के रूप में लेके आते हैं और शंकर जी में और यहाँ शंकर जी में शिव घाट में बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक जल यहाँ चढ़ाते हैं। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि पुराने समय में यहाँ महीनों महीनों राम धुन की टोली आके राम भजन करती थी सावन के महीनों, तो भजन कीर्तन सहित विभिन्न जो आयोजन है वो यहाँ होते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे, कितने समय से आप लोग आ रहे हैं पूजा करने? कितने हमेशा से आ रहे हैं पूजा करने, हर सावन के महीने में आते हैं पूजा करने, ये भी रहते हैं हम लोग सावन यात्री भी आते हैं। तो देखिए आप आज महादेव के विशेष श्रृंगार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जब अलग अलग तरीकों से भगवान भोलेनाथ को श्रृंगार किया जा रहा है। उज्जैन के बाबा महाकाल की तस्वीरें भी अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि धूमी रचाई जा रही है और यहां पर विशेष महत्व माना जाता है इस